हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सौरभ तो अभी सो रहा है क्योंकि टाइम हो गए हैं 5:37, 5:37। तो मैं तो चलती हूँ किचन में और इसके लिए खाना बनाती हूँ स्कूल के लिए। और आज है फ्राइडे। तो गाइस चलिए चलते हैं। और सुबह सुबह लग रही है ठंड, कंबल में से निकलने का मन नहीं कर रहा। फैन को मैंने ऑफ कर दिया है और बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। बाहर है अभी अंधेरा और थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ी हुई है। बनाने वाले हूँ आज सौरभ के लिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च उसकी फेवरेट है। तो गाइस चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सौरभ को ना पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पनीर कभी नहीं खाता। लेकिन शाम को जब सौरभ के पापा के लिए मैंने पनीर फ्राई किया था तो उसको क्रिस्पी सा पनीर अच्छा लगा था। तो उसने कहा कि कल एक स्नैक में मुझे पनीर भी देना। तो मैं सौरभ के लिए पनीर ही फ्राई कर रही हूँ। और इनको मैंने 30 छोटे किए हैं अभी, शाम को थोड़े से बड़े 30 थे। तो जो नमक है वो अंदर नहीं जा पाया था, तो अभी मैंने थोड़े से छोटे पीस किए हैं और इनको टूथपिक में डाला हुआ है। क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक पीस को पलटूँ, तो अभी मैंने चार चार पीस एक साथ कर दिए हैं और मैं इनको ईजिली पलट सकती हूँ। ये तो बन रहे हैं, साथ के साथ खाती हूँ सब्जी। ये हमारी पनीर फ्राई हो गई है तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा चाट मसाला। और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची। सब्जी में गाइस मैंने लगा दिया है तड़का और अभी बस कुकर को बंद करते हैं। सौरभ उठ जा, शूट कर रही हूँ मैं। व्यूवर्स बोलेंगे कितनी आवाज़ें लगाता है तब जाके उठता है। खड़ा उठो, उठो 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 उठो, गेट अप गेट अप। टाइम हो गया स्कूल का, अभी पता नहीं कितनी बार और मुझे रूम में आना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। सुबह का उगता हुआ सूरज में तो दिख ही नहीं रहा, नहीं तो एकदम रेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। स्क्रीन लाइट कम करके देखती हूँ कैसा लगेगा। ये देखिए आज सौरभ के लिए मैंने फ्राई किया है पनीर और ये है ब्रेड जैम लगा के। उसको जैम लगा के खाना ही पसंद है। तो ये है टू स्नैक्स ब्रेक के लिए और ये है उसकी सब्जी। और सब्जी आप देख लीजिए कितनी है, उतनी ही मिलेगी शाम को। आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं कितनी सब्जी खा के आया है। और ये है रोटियाँ, तो आज पराठे नहीं बनाए, सब्जी के साथ मैं रोटियाँ ही बनाती हूँ। और जिस दिन सब्जी नहीं बनती उस दिन पराठे बनाती हूँ। तो इसका टिफ़िन पैक करते हैं और दिखाती हूँ उसको भी कितना तैयार हो गया है। सो देखते हैं सौरभ कितना रेडी है। और इसका तो अभी तक चुगा पानी ही चल रहा है, लेट होएगा, बस निकलेगी देख लेना। और रात को फिर ना इसने क्रिसमस ट्री भी बनाया था। तो ये देखो, अरे कहाँ गया, निकल के गिर गया, कैसे डाला हुआ है तुमने फिर। तो ये देखिए इसका क्रिसमस ट्री, ग्लिटर शीट से बनाया है। और इसके ऊपर मेरे जो नेल आर्ट वाले फ्लावर्स थे वो इसके ऊपर स्टिक कर दिए। तो इसका ट्री कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप इसे डालती हूँ मैं
और सौरभ बस निकलने वाली है, अभी हॉर्न आ जाएगा बस का, फटाफट से मुंह चला ले, ठीक है। मैं डालती हूँ इसके बैग में और इसके जाते ही मैं करूँगी योगा। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ सारा काम करने के बाद। ये है गाइस मेरा ब्रेकफास्ट, चाय एंड सैंडविच, और आज मैंने इसके अंदर आलू एंड शिमला मिर्च की सब्जी फिल की है। सो गाइस अभी बज रहे हैं 6:15 और देखो सौरभ का टिफिन दिखाते हैं, देखो कितने पनीर दिए थे मैंने इसको पीसेस, हाफ भी नहीं खा के आया। और सब्जी दिखाते हो, ये देखो उतनी की उतनी सब्जी, थोड़ी सी लगा के आया, बताओ कुछ खाते ही नहीं है बच्चे आजकल। और अभी कुछ बनाती हूँ इसके लिए कुछ स्नैक्स, पूछती हूँ। वाटरमेलन रखा है, अगर खाएगा तो सौरभ वाटरमेलन कट कर दूँ? तो पिजने से बाहर निकाल के रखा था, तो वाटरमेलन कट करते हैं। आप सोच रहे होगे ऐसी ठंड में वाटरमेलन कहाँ से आया, तो गाइस यहाँ पे हमेशा वाटरमेलन चलता है। तो ये देखिए अंदर से कैसा निकला है, अच्छा है। सौरभ के तो 2 दिन मजे हो गए क्योंकि कल छुट्टी है क्रिसमस की, और अभी हम बस मैं चाय चढ़ा के आई हूँ, तो चाय पीते पीते हम देखने वाले हैं लैपटॉप में मूवी। कौन सी भाई? अंतिम आगे अंतिम द फाइनल ट्रूथ, अंतिम द फाइनल ट्रूथ। ये हम हॉल में देखने वाले थे बट हम जा नहीं पाए, तो अभी लैपटॉप में देखेंगे। और छुट्टियाँ तो सौरभ तो आज काम करने से रहा, तो ये तो आज फ्री है, और मेरी चाय भी उबल गई है, तो चाय पीते हैं और मूवी देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसी मूवी लगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो गाइस अभी पूरी मूवी खत्म हुई है और टाइम हो गया 7:45, थोड़ा स्किप कर करके देखी क्योंकि फिर खाने को लेट हो जाता, और 1 घंटा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल बोरिंग लग रही थी मूवी। और 1 घंटे के बाद कुछ कुछ अच्छी लगने लगी, और सॉन्ग 4-5 सॉन्ग आए, मुझे तो एक भी सॉन्ग पसंद नहीं आया। इनफैक्ट जो वरुण धवन का सॉन्ग था वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मूवी अच्छी थी, मान खान का अच्छा रोल लगा मुझे इसमें सरदार जी का। भी बनाते हैं खाना, और खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज चाउमीन, और कभी कभी तो अनहेल्दी चलता है, वैसे हम हेल्दी फूड खाते हैं, कभी कभी मैगी ये नूडल्स वगैरह ये बनाती हूँ, तो आज चाउमीन बनेगी। ये हमारे देसी स्टाइल की नूडल्स तैयार हैं, और सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाली है, बस शिमला मिर्च नहीं थी वही नहीं डाली, नहीं तो गाजर गोभी मटर आलू प्याज टमाटर सब डाला है मैंने इसके अंदर। तो अभी करते हैं खाना। तो सौरभ तुझे मूवी कैसी लगी? बोरिंग देखी नहीं, बोरिंग थी। इसने स्टार्टिंग की 10-15 मिनट की देखी, इसको कुछ समझ नहीं आया तो ये अपना टीवी देखने लग गया, तो मैंने ये पूरी मूवी देखी। तो अभी हम करते हैं खाना पीना, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो कैसी लगी भाई नूडल्स? ठीक है, वैसा तो नहीं है उसका टेस्ट गांव वाली, इसको ना ऐसी चाहिए जैसी बाहर मिलती है होटलों पे, वैसी तो बनेगी नहीं ना, मैं कोई शेफ थोड़ी ना हूँ। मैंने तो अपनी देसी स्टाइल में बनाई है, ये तो सॉस डाल के खाएगा, मैं तो सॉस नहीं डालूंगी। वैसे कितने दिन में खाई हमने नूडल्स? साल भर। सारी जो जितनी भी मैंने सब्जियां डाली थी ना वो सारी निकाल रहा है बाहर, क्यों? जुकाम भी लगी? नहीं बोल सकता मैं, जुकाम लगी ना, देखो पीछे दिख रही है आपको बोतल,
अभी फ्रिज में से निकाल के लाया है। जुकाम और मेरे को लगेगा क्या? भरोसा आपको भी लग सकता है? नहीं, मेरे को कैसे लग जाएगा, मैं तो बहुत केयर करती हूँ ना अपनी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं खाना खाने के बाद। होना केयर करना होता है। तो मेरी टेंशन है ना, मैं कितने बजे सोऊं, तेरे लिए तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना। नहीं, खाना है टिफिन ऐसे ही मिल जाता है तेरे को, है? तो इसकी तो बकबक ऐसे ही चलती रहेगी। ये तो स्टार्ट हो गया है और मेरी ठंडी हो रही है नूडल्स, तो हम अभी खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, खाना खाने के बाद सौरभ अगेन ड्राइंग के पीछे लग गया है, तो ये अब थोड़ी देर ड्राइंग करेगा। क्या बना रहा आज? गोस्ट राइडर। गोस्ट राइडर, पता नहीं क्या बनाता रहता है। देखो, भूत बना रहा है, कुछ तो बना रहा है। ड्राइंग करने के लिए पता नहीं क्या चूज करता रहता है, ऊट पटांग सी चीजें। ये है गाइस सौरभ का स्कूल का नोटिस बोर्ड, और ये देखो सौरभ का ट्री नोटिस बोर्ड पे लगाया टीचर ने। कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा। और कुछ इसके स्टार्स हैं, और बाकी बच्चों ने भी कितने सुंदर सुंदर बना के रखे हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये इनकी क्लास का नोटिस बोर्ड है। सो गाइज, ये था आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। और सौरभ को छींके आ रही है क्योंकि इसको जुकाम लग गया है। तो अभी अरे कितनी छींक आएंगी सुबह, पता है गाइज जी क्या करता है, ये चप्पल नहीं डालता, बेड से सीधा नीचे उतर जाता है। और परसों तो कंबल ओढ़ के वहाँ बाहर गया हुआ था, और मैंने इसको बोला सुबह उठते ही बालकनी में मत जाए, चप्पल पहन के रखा था। क्या आइडिया था चप्पल पहनने के लिए, तो मैं बोलती हूँ ना क्या, तो कंबल ओढ़ के जाने के लिए तो मैंने बोला था, लेकिन चप्पल डालने के लिए तो बोलती हूँ। चल अदरक डाल के दूध देती हूँ मैं। तो चलिए गाइस, व्लॉग का एंड यही भी करते हैं। होप गाइस आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।